chapter 4, verses 1 to 11. Hallelujah. इस मौसम के लिए, इस सीजन में परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय पहले पद से. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है. जी. तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है. जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं. उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं. वे परमेश्वर की 7 आत्माएँ हैं और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है. सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आँख ही आँख हैं. पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है. तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है. चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आँखें ही आँखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है. जब वे प्राणी उसको उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे हे हमारे प्रभु और परमेश्वर तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई. आमेन एंड आमेन. हालेलुया. यू नो ये वाक्य मुझे कहते बड़ा अच्छा लगता है और इस वाक्य को कहने के लिए मुझे 1 जनवरी का इंतज़ार करना पड़ता है हर बार. मौसम बदलते हैं, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, साथ बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, पर जो बात कभी नहीं बदलती वो हमारा परमेश्वर है. आमेन. हालेलुया. जो बात कभी नहीं बदलती वो हमारा परमेश्वर है. वो उसके इरादे हमारे तरफ, वो उसकी मोहब्बत हमारे लिए, वो उसका फजल हमारे लिए, वो उसकी क्षमा हमारे लिए, वो उसकी योजनाएं हमारे लिए, वो उसकी कल्पनाएं हमारे लिए देने वो चेंज. हालेलुया. जो भले मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, साल बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, एक चीज़ जो हमेशा बनी रहती है और वो हमारा परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता और उसकी मोहब्बत जो कि हमारे लिए हमेशा वैसी ही रहती है. हालेलुया. सो परमेश्वर का धन्यवाद कि वो कभी नहीं बदलता है. साल बदल रहा है पर साल के साथ में मौसम बदल रहा है एंड मौसम के साथ में परमेश्वर के प्लान्स एंड परमेश्वर की चीज़ें इस मौसम के लिए नई तरीके से हमारे पास में आ रही हैं. बदल नहीं रही हैं पर नए वायदों के साथ में परमेश्वर इस मौसम में हमको लेकर के चले. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन है जिसमें हम लोग प्रवेश करें. जैसे हर बार साल बदलता है चीज़ें आगे बढ़ती हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूँ 2023 एंड 2024 में एक बड़ा जंप आ रहा है, एक बड़ी बड़ी छलांग, लंबी छलांग जो है वो 2023 से और 2024 में आने जा रही है. वर्स 1 से हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ. I looked. ये मैंने दृष्टि की. आप चाहें तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं. 4 बातें मैं आपको अंडरलाइन करने को बोलूंगा इस वर्स में. पहली चीज जो आवश्यक है आपके लिए वो ये, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की. अंडरलाइन कर लीजिए, मैंने दृष्टि की. आई लुक्ड. आगे तो देख तो क्या देखता हूं. तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है. स्वर्ग में एक द्वार, राइट. आप इसको अंडरलाइन करें, एक खुला द्वार, एन ओपन डोर इन हेवन. स्वर्ग में एक खुला द्वार. आई लुक्ड पहली चीज अंडरलाइन करनी है. दूसरी बात जो अंडरलाइन करनी है वो ये कि स्वर्ग में एक
खुला द्वार, ओपन डोर इन हेवन, यस। और जिसको मैंने पहले तुरही के से जी शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, फर्स्ट वॉइस, पहली आवाज। तीसरी चीज हम अंडरलाइन करेंगे वह है फर्स्ट वॉइस, पहली आवाज जी। वही कहता है, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। नंबर फोर, कम अप, ऊपर आ जा। ये चार बातें हम अंडरलाइन कर लेंगे। आई लुक्ड, मैंने देखा, ओपन डोर स्वर्ग में खुला दरवाजा, द फर्स्ट वॉइस पहली आवाज जो मैंने सुनी, कम अप, ऊपर आ जाओ। ये चार बातें अंडरलाइन कर लीजिए, आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर मनन करेंगे जी। आगे, और वे बातें मैं तुझे दिखाऊंगा जी, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है जी। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, एक सिंहासन स्वर्ग में रखा। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं एक सिंहासन देख रहा हूँ, यूहन्ना कह रहा है, मैं एक सिंहासन को देख रहा हूँ जो कि स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है जी, जो उस पर बैठा है, उस बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है जी, और उस सिंहासन के चारों ओर जी मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है जी। उस सिंहासन के चारों ओर जी 24 सिंहासन हैं, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर जी 24 प्राचीन, 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं जी, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं जी। उस सिंहासन में से बिजलियां जी और गर्जन निकलते हैं जी, और सिंहासन के सामने जी आग के 7 दीपक जल रहे हैं जी। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जी, और सिंहासन के सामने जी मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है जी। सिंहासन के बीच में हाँ। और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। बस एक मिनट यहाँ रुक जाइए। सो यहाँ पे यूहन्ना जो है परमेश्वर उसको दर्शन दे रहे हैं, एंड क्या दर्शन दे रहे हैं, स्वर्ग में एक सिंहासन है, और हम सब जानते हैं सिंहासन किसका सिंहासन है, परमेश्वर पिता का सिंहासन है, स्वर्ग में सिंहासन है, और कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन वहां पे, एंड देन उसके साथ में वहां पे क्या देखता है, 24 और सिंहासन वहां पे दिखाई दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी जो कुछ लोग हैं श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, वो वहां पे बैठे हुए हैं। वी हैव 24 थ्रोन्स इन हेवन, 24 सिंहासन जो है वो स्वर्ग में है, एक सिंहासन परमेश्वर का, और उसके साथ में 24 और सिंहासन। आने वाले समय में, भविष्य में, हम इस जगह के ऊपर 24 लोगों को बैठे देखेंगे। ये वो परमेश्वर के वफादार लोग हैं जो कि पिछले 6000 साल से यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर रहकर के प्रभु के काम को किया। उनमें से 24 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे जो कि थ्रोन के ऊपर, उन सिंहासनों के ऊपर बैठ करके राज करेंगे। एंड ये दृश्य है, ये फ्यूचर हेवनली गवर्नमेंट को दिखाता है, स्वर्ग के सरकार को दिखाता है, जहां से रह करके चीजें गवर्न होगी, जहां से रह करके चीजें होने पाएंगी। सो भविष्य का जो स्वर्ग का जो सिंहासन है वो कैसा होगा, परमेश्वर वहां बैठे होंगे, एंड 24 एल्डर्स, 24 बुजुर्ग जो हैं वहां पे उसके साथ में वहां पे बैठे होंगे। किस बात का दृश्य है ये, ये दृश्य है फ्यूचर हेवनली गवर्नमेंट का, भविष्य में होने वाली सरकार का। Amen? ये कंप्लीटनेस को दिखा रहा है, परमेश्वर की स्थिरता को दिखा रहा है। 24 की गिनती ये परमेश्वर के परफेक्शन को दिखाती है, स्थिरता को दिखा रही है, कंप्लीटनेस को दिखा रही है। स्वर्ग में एक सिंहासन है, 24 सिंहासन उसके साथ में, ये कंप्लीट हेवनली गवर्नमेंट की ओर ये दिखा रहा है। आगे चलें, क्या लिखा हुआ है, सिंहासन के बीच में जी और सिंहासन के चारों ओर जी 4 प्राणी हैं, 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंख ही आंखें हैं, आगे आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, पहला प्राणी, वी हैव 4 यहाँ पे, एक 4 जीवित प्राणी हैं, एंड पहला प्राणी कैसा है, सिंह के समान, सिंह के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है जी, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है, उकाब के समान है। चारों प्राणियों में जी के 6-6 पंख हैं जी, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं जी, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए जी ये कहते रहते हैं, पवित्र जी, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जी, जो था और जो है जी और जो आने वाला है। नाउ यहाँ पे एक सिंहासन, उसके चारों ओर गोल्स में 24 सिंहासन है, उसके बीच में
हम वहां पे एक ऐसी इमेज पाते हैं जहां पे चार जीवित प्राणी हैं। पहला शेर के समान है, दूसरा बछड़े के समान, तीसरा मनुष्य के समान है, एंड चौथा जो है वो उकाब के समान है। चार प्राणी, वी हैव 24 की फिगर जो नंबर है वो आखिर में आ रहा है 2024, एंड 4 की जो फिगर है वो एंड में आ रही है, एंड 4 की फिगर हम यहाँ पर भी स्वर्ग के सिंहासन के चारों ओर यहाँ पे हम देख रहेंगे। एक और चीज़ आप देखें कि परमेश्वर के वचन में नए नियम की पुस्तक में वी हैव 4 गॉस्पल्स, हमारे पास में 4 शुभ संदेश है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, एंड चारों पुस्तकें जो हैं वो यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर के यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक के चीज़ों को बताती हैं, स्वर्ग के तक के उठाए जाने को बताती हैं। पर चारों पुस्तकों का जो व्यू है वो डिफरेंट है, और ये चार ही हमको गॉस्पल क्यों दी गई? सारे चेले लिख लेते 12 गॉस्पल हो सकती थी, या 3 हो सकती थी, या 2 हो सकती थी, या सिर्फ 1 गॉस्पल हो सकती थी। ये 4 शुभ संदेश हमको क्यों दिए गए? ये 4 शुभ संदेश जो हैं, ये 4 डिफरेंट नज़रिए से जो है ये यीशु के जीवन को यहाँ पे लिखा गया है। मत्ती की पुस्तक जो है वो यीशु को शेर की तरीके से, किंग की तरीके से, शेर की तरीके से वो प्रेजेंट करती है। मरकुस की पुस्तक जो है वो यीशु मसीह को एक ऑक्स के रूप में, एक बछड़े के रूप में, वो वहाँ पे एक हम्बल सर्वेंट के रूप से, सेवक के रूप में प्रेजेंट करती है। लूका की पुस्तक जो है वो मनुष्य की सिद्धता के अनुसार वो यीशु को प्रेजेंट करती है, परफेक्ट एज मैन, जैसे मनुष्य सिद्ध है वैसे वो प्रेजेंट करती है। एंड यूहन्ना की पुस्तक जो है वो उकाब की तरीके से यीशु को प्रेजेंट करती है। So, 4 डिफरेंट व्यूज हैं, ये 4 डिफरेंट व्यूज इसलिए ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सिद्धता से बताने की कोशिश है कि वो कैसा परमेश्वर है। आमीन। उसमें शेर की तरीके से, राजा की तरीके से भी चीजें वहां पे पाई जाती हैं, एंड वहां पे ऑक्स के रूप में, बछड़े के रूप में भी चीजें हम वहां पे देखते हैं। यीशु मसीह में हम मनुष्य की सिद्धता को देखते हैं, एंड यीशु में हम उकाब की नाई जो सामर्थ्य हम उसको भी अपने बीच में हम अनुभव करते हैं। आमीन। सो इसलिए हम यहाँ पे 4 डिफरेंट व्यूज को हम यहाँ पे हम देखते हैं। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है जी, और जो युगानुयुग जीविता है जी, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे जी, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने, सिंहासन पे बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है, जो युगानुयुग जीविता है, प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट जी सिंहासन के सामने जी ये कहते हुए डाल देंगे जी, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर जी, तू ही महिमा जी, और आदर जी, और सामर्थ्य के योग्य है जी, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी जी, और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गईं। आमीन एंड आमीन, हालेलुया। सो 2024 जिसमें हम 2 की गिनती को देखते हैं, 4 की गिनती को भी हम देख रहे हैं। 24 जो है ये गिनती परमेश्वर की सिद्धता को दिखाती है, परफेक्शन को दिखा रही है। 3 की गिनती भी परफेक्शन को दिखाती है, 7 की गिनती भी परफेक्शन को दिखाती है, 10 की गिनती भी परफेक्शन को दिखाती है, 12 की गिनती भी परफेक्शन को दिखाती है, पर 12 से बढ़ करके 24 की जब हम गिनती में आते हैं तो ये सिर्फ परफेक्शन को दिखा रही है, ये हेवनली गवर्नमेंट को दिखाती है, ये स्वर्ग के शासन को, उसकी सरकार को दिखा रही हैगी, एंड ये कंप्लीटनेस को दिखा रही है, कैसे परमेश्वर सारी चीजों को सिद्ध करके, कंप्लीट करके प्रेजेंट करें, एंड देन ये वर्शिप को दिखाती है। 24 की गिनती जैसे ही ये जो 4 प्राणी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो ये 24 लोग जो बुजुर्ग हैं ये परमेश्वर के सामने झुक करके ये उसको सलाम करते हैं आकर के, सो ये वर्शिप को, ये आराधना को भी दिखाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ 24 जो 24 है उसका, उसकी गिनती का महत्व क्या है? 12 की गिनती परफेक्शन को दिखाती है, सिद्धता को दिखाती है, गॉड्स पावर एंड अथॉरिटी, परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार की जो परफेक्शन है उसकी सिद्धता को दिखाती है। 3 की गिनती जो है ये डिवाइन यूनिटी को दिखा रही थी, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये 3 चीजों के बीच में सिद्ध यूनिटी को दिखाती है। 12 की गिनती जो है ये गॉड्स पावर एंड अथॉरिटी की ओर पॉइंट करती है, परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार की ओर, एंड 24 इसको डबल अप कर देता है, इसको दुगना कर देता है। आमीन।
हालेलुया। नाउ यहाँ पे अगर आप पुराने नियम में आए, हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 24वां अध्याय, उसके पहले पद से पांचवें पद को देखेंगे। पहला इतिहास 24वां अध्याय, दाऊद ने हारून के घराने को जो कि लेवी कहलाया, जो कि मंदिर के सारे कामों को करता था, उसको उसने 24 डिविजन्स में बांटा था। जितने भी याजक थे, जितने भी पुजारी थे पुराने नियम में, वो सारे 24 डिविजन्स में बांटे गए थे, राइट। आप पहले ही पढ़ दिए लूका पहला अध्याय उसका आठवें पद को पढ़ दिए, फिर हम वापस उसमें आएंगे। लूका पहला अध्याय उसका आठवां पद, जब वो अपने दल की पारी पर जी परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था। ये जकरिया के बारे में है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता के बारे में बातचीत हो रही है कि जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने जी। नाउ ये डिवीजन था, जकरिया जो था वो एक पर्टिकुलर डिवीजन को बिलोंग करता था, एंड जब उसकी डिवीजन की बारी आई कि वो जा करके परमेश्वर के मंदिर में सेवा को करने पाए, उस समय उसके पास में सुरदूत आता है एंड यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश के बारे में उसके पिता को तमाम डिस्क्रिप्शन देता है। जिस समय जकरिया की डिवीजन, जकरिया का यूनिट आराधनालय में जा करके आराधना की सेवा को कर रहा था। सो वापस आएंगे हम, पहले इतिहास उसका 24वां अध्याय पहले पद से पांच पद को देखेंगे। जितने भी ये प्रीस्ट थे, इन सब को 24 डिफरेंट डिविजन्स में बांटा गया था। जी, फिर हारून की संतान के जी दल ये थे हारून के पुत्र नादाब जी, अबीहू जी, एलियाजार और इतामार थे। परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए जी, इसलिए याजक का काम एलियाजार जी और इतामार करते थे। दाऊद ने एलियाजार के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। एलियाजार के वंश के मुख्य पुरुष जी इतामार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे और वे यूं बांटे गए, अर्थात एलियाजार के वंश के पितरों के घरानों के 16 जी और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे जी। 16 और 8, 24 जी। जब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांट दिए गए जी, क्योंकि एलियाजार और इतामार दोनों के वंशों में जी पवित्र स्थान के हाकिमों और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे जी। नाउ आप 18th and 19th वर्स को भी पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है 18 और 19 पद को। 23वीं दलाया के और 24वीं माजिया के नाम पर निकली जी, उनकी सेवा के लिए उनका यही नाम ठहराया, नियम ठहराया गया जी कि वे अपने उस नियम के अनुसार जी जो इसराइल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार जी उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था जी यहोवा के भवन में जाया करें। नाउ जितने भी याजक थे, दाऊद ने इनको 24 डिफरेंट डिविजन्स में बांटा था और सबका काम यह था कि एक हफ्ता, एक सबत से लेकर के दूसरे सबत के दिन तक के एक डिवीजन परमेश्वर के मंदिर में जा करके उसके सारे के कामों को करता था, राइट। सो 24 डिविजन्स, 24 की गिनती जो है ये प्रीस्टहुड को दिखाती है, ये याजक होने को दिखाती है, ये सिद्ध आराधना की ओर हमको पॉइंट कर रही है। 24 डिविजन्स जो कि एक एक हफ्ते के लिए परमेश्वर के भवन में जा करके परमेश्वर के मंदिर के सारे कामों को किया करते थे। अध्याय 25 में हम लोग आ जाएंगे, पहला इतिहास उसका 25वां अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे और आखिरी पद 31 पद को देखेंगे। फिर दाऊद और सेनापतियों ने जी आसाप, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया जी कि वे वीणा सारंगी और झांझ बजा के नबूवत करें जी। इस सेवा के काम करने वाले जी मनुष्यों की गिनती ये थी जी। 31 चौबीसवीं चिट्ठी रोम मतियेजेर के नाम पर निकली जी, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नाउ अगेन दाऊद ने जितने म्यूजिशियंस थे, जितने बाजे बजाने वाले लोग थे, उनकी 24 टीमें बनाई थी उसने, जो कि प्रभु के भवन में जा करके आराधना में वो म्यूजिक को प्ले करते थे। दाऊद ने जितने म्यूजिशियंस थे जो मंदिर में जा करके परमेश्वर के भवन में जा करके म्यूजिक को बजाते थे, उनकी 24 टीमें थी। 12 लोगों की 24 टीमें दाऊद ने यहाँ पे आके खड़ी की। सो 24 की गिनती अगेन वर्शिप की ओर हमको पॉइंट करती है, परमेश्वर की आराधना की ओर पॉइंट करती है।
Amen. प्रीस्टहुड की ओर पॉइंट करी है, ये टेंपल की ओर, मंदिर की ओर, ये चीजें जो हैं ये हमको दिखाई जा रही हैं कि जो हिब्रू की जो बाइबल है, जो यहूदी जो 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 बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पुराना नियम है हमारा, वही उनकी बाइबल भी है, और उसमें 24 पुस्तकें पाई जाती हैं। वही 24 पुस्तकें जब हमारे पुराने नियम में आती हैं तो वो 39 पुस्तकें हो जाती हैं, पर 39 पुस्तकों का जो मैटर पूरा पुराना नियम जो हमारा है, वो यहूदी की बाइबल जो है वो 24 बुक्स में डिवाइडेड है। परमेश्वर के वचन की स्थिरता को और उसकी कंप्लीटनेस को 24 की गिनती जो है वो बता रही है। भजन संहिता 72 में 72 में दाऊद 24 वो बातें बयान करते हैं जो यीशु जब सिंहासन पे बैठेंगे तब उन कामों को करेंगे। भजन संहिता 72 में 24 बातें लिखी हैं जो यीशु मसीह सिंहासन पे बैठ करके करेंगे। पुराने नियम में हम 12 गोत्रों को पाते हैं, नए नियम में हम 12 चेलों को पाते हैं, दोनों के जोड़ बता देंगे तो आप 24 के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट नंबर। सो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन में इस समय चल रहे हैं। 24 की गिनती, अगेन दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, 24 आवर्स मेक वन कंप्लीट डे। 24 घंटे एक दिन को बताते हैं। तो 24 की गिनती कंप्लीटनेस को बता रही है, स्थिरता को बता रही है। Amen? ये कंप्लीटनेस को बता रही है, ये स्थिरता की ओर पॉइंट करती है। सोने की जो 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 प्योरिटी होती है वो 24 कैरेट होती है। सोने की जो प्योरिटी है वो कितनी होती है? 24 कैरेट इज प्योर गोल्ड। So you are in a very, very important season. आप इस समय बहुत ही आवश्यक मौसम में हैं। स्वर्ग में मैंने एक सिंहासन देखा और इस सिंहासन के चारों ओर कितने सिंहासन देखे? 24 सिंहासन देखे। उसके ऊपर 24 बुजुर्ग लोग जो हैं वो बैठ करके परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। उन 24 सिंहासनों के बीच में मैंने 4 जीवित प्राणियों को भी वहां पे मैंने देखा। और यूहन्ना क्या रहेगा? एंड 4 मुख्य प्राणी, 4 की गिनती जो है अगेन आकर के हमारे साथ में दर टैली करी 24 के साथ में। दाऊद ने सारे प्रीस्ट को 24 भागों में बांटा, सारे म्यूजिशियंस की 24 टीमें थी, 12 लोगों की 24 टीमें थी। हिब्रू बाइबल 24 पुस्तकें उसमें पाई जाती हैं। सो दिस इज ब्यूटिफुल। परमेश्वर कुछ विशेष इस साल में हमारे बीच में करने जा रहे हैं। आमेन। परमेश्वर कुछ विशेष हमारे बीच में करने जा रहे हैं। 24 की गिनती 2 और 4 को मिलकर के बनती है। 2 हम जानते हैं डिविजन को दिखाता है एंड यूनिटी को दिखाता है। 2 की गिनती अलगाव को दिखाती है एंड 2 की गिनती साथ में एकता को भी दिखाती है। हम इस बात को मनन कर चुके हैं। 20 की गिनती वापस लौटने के समय को दिखाती है। हम 20 के दशक में चल रहे हैं एंड 4 की गिनती जो है ये 4 की गिनती ओके हम आएंगे जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 14-19 में। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 14-19 4 की गिनती हमको किस बात को दिखाती है? फिर परमेश्वर ने कहा जी दिन को रात से अलग करने के लिए, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों जी, और वे चिन्हों और नियत समयों जी, और दिनों और वर्षों के कारण हों जी, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में जी पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें जी, और जैसा और वैसा ही हो गया जी। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए जी, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया जी, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को और अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है जी, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फोर्थ डे, ऑन द फोर्थ डे व्हाट हैपेंड? ऑन द फोर्थ डे चौथे दिन प्रभु ने क्या बनाया? चौथे दिन परमेश्वर ने ज्योति बनाई, रोशनी बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया और सितारे बनाए। चौथे दिन खुदा ने क्या क्रिएट किया? किन चीजों को क्रिएट किया? उसने सूरज को, रोशनी को उसने क्रिएट किया, सूरज को क्रिएट किया, चांद को क्रिएट किया एंड तारों को उसने क्रिएट किया। चौथी गिनती जो है ये क्रिएशन को दिखाती है, रचना को दिखाती है। एंड इस साल हम परमेश्वर को ढेर सारी चीजों को क्रिएट करते देखेंगे कि वो हमारे बीच में पैदा करेगा नई बातें, नई चीजों को अपने बीच में, नई ज्योति को,
नए चमत्कारों को नई खूबसूरती को अपने बीच में हम होते हुए इस मौसम में हम देखने जा रहे हैं. नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. चार की गिनती बहुत आवश्यक होती है. हमारे पास में चार मौसम होते हैं, राइट? समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन, ऑटम सीजन. चार मौसम, चार ऋतुएं हमारे बीच में पाई जाती हैं. ग्रीष्म है एंड वर्षा होती है, शरद ऋतु और शीत ऋतु. ये चार ऋतु कंप्लीट साल को बनाती हैं, राइट? कंप्लीटनेस. सीजन की कंप्लीटनेस कैसे आती है? फोर सीजन हमारे पास में होते हैं. चार दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगेन परफेक्शन को, यूनिटी को, स्थिरता को आकर के दिखा रही हैं. चार पिलर्स के ऊपर जब चीज खड़ी की जाती है तो वो ज्यादा स्थिर होती है. परफेक्शन, यूनिटी, कंप्लीटनेस को दिखा रही हैं. एक और पद को आप मेरे साथ में देखें, उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 10-14 पद को देखेंगे. उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय 10-14 पद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उस वाटिका को सींचने के लिए, अदन की वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली, एक नदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर चार धाराओं में बढ़ गई. अदन की वाटिका को पानी देने के लिए, वाटर करने के लिए, देयर वर फोर रिवर्स. एक नदी थी जो कि चार अलग अलग भागों में बढ़ गई ताकि पूरे अदन की वाटिका में वो जल को पहुंचाने पाए. आमीन. लाजर कब्र में कितने दिन रहा था? चार दिन के बाद यीशु मसीह वहां पे पहुंचते हैं. आमीन. सो वी आर इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीजन. हम एक नए बहुत ही आवश्यक मौसम में हम इस समय प्रवेश करें. मैं आपसे खास तौर से इस बात को कहना चाहूँगा और वो ये कि हम अंक जो साइंस होती है, जो न्यूमरोलॉजी होती है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते. हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर जो अंकों से जो भविष्य बताने की जो कोशिश होती है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते. और मेरी कोशिश यहाँ पे ये नहीं है कि मैं अंकों के द्वारा और उसके महत्व के द्वारा मैं आपको ये बताऊं कि ओके आने वाले भविष्य में क्या होने जा रहा है. नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि आप अंकों के ऊपर ध्यान दें, पर मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में जो महत्व है गिनती का, आप उसको समझें और समझे कि परमेश्वर इस समय हमारे बीच में क्या करने जा रहे हैं. हम ज्यादा ध्यान उस बात पे देते हैं जो हम परमेश्वर से डायरेक्टली सुनते हैं, जो हम परमेश्वर सुन रहे हैं. अंकों के आधार के ऊपर गिनती का क्या महत्व है और उससे हम भविष्य को बताएं कि भविष्य में ये होने जा रहा है, ये कोशिश नहीं है. और हर वो कोशिश जो कि गिनती के द्वारा भविष्य को बताने की होती है वो गलत बात है. सही चीज़ ये है कि आप परमेश्वर के सामने ठहरें और परमेश्वर से सुन करके हम आगे की ओर जाएं. ये सारी जानकारी इसलिए है ताकि आप इस गिनती के महत्व को समझें. ये सारी जानकारी इसलिए ताकि आप इस गिनती के महत्व को समझें. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मौसम जो है ये कंप्लीटनेस का मौसम है. परमेश्वर इस मौसम में चीज़ों को कंप्लीट करेंगे. जो अधूरी बातें हैं वो पूरी होने जा रही हैं. जो अधूरी बातें हैं वो इस मौसम में हम इनको पूरा होते देखेंगे. हम स्थिरता को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं और हम ये मौसम कलीसिया का मौसम है. ये मौसम आराधना का मौसम है. हम डिफरेंट लेवल की वर्शिप को अपने बीच में हम अनुभव करेंगे. हम देखेंगे कलीसिया जो है इस मौसम में, सीजन में, वो स्ट्रॉन्ग होने पाएगी. गवर्नमेंट के ऊपर निगाह रहने पाएगी. पावर एंड अथॉरिटी के ऊपर निगाह रहने पाएगी. हम इस मौसम में समय है. पिछले साल का जो हमारा टैगलाइन थी वो थी माउंट ऑफ विथ विंग्स, कि उन पंखों को पहन लो. और इस साल पंखों को पहन करके हम उड़ जाएं, राइट? मुझे लग रहा था कि नहीं, पिछला वाला जो मौसम है हुई है कि हम पंखों को पहन करके हम उसको लेकर के उड़ जाएं, पर पिछला मौसम तैयारी का मौसम था. 2023 में परमेश्वर ने इस बात की तैयारी में वो हमको लेके गए कि हम उन पंखों को पहन लें. एंड ये वो मौसम है जिसमें मुकाब के पंख लगा करके कलीसिया उड़ जाएगी. जो कुछ आपने पिछले सीजन में बोया है ये वो मौसम है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में हम उसको काटेंगे. जो कुछ हमने पिछले मौसम में अनुभव किया है हम उसको डिफरेंट लेवल के ऊपर हम इस मौसम में उसकी परमेश्वर की खूबसूरती को हम अनुभव करने जा रहे हैं. ये मौसम है कि हम परमेश्वर के उकाब के पंख को लगा करके हम आसमान की ऊंचाइयों में हम उड़ जाएं. आमीन. स्थिरता, कंप्लीटनेस, चर्च, वर्शिप, गवर्नमेंट, पावर, अथॉरिटी, इन तमाम चीजों के ऊपर ये वाला साल जो है ये फोकस कर रहा है. आमीन. हालेलुया. सो आप तैयारी को कर लीजिए.
अभी मैंने बस थोड़ा सा आपको हल्का से चीज़ों को बताया है, संडे से हम लोग डिटेल्स में हम और आगे की ओर चलेंगे। मैंने आपसे कहा था चार बातें नोट कर लीजिए, आने वाले दिनों में उसके ऊपर हम लोग शिक्षा में चलेंगे। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीजन, कंप्लीटनेस आ रही है। जिन बातों में हमने अधूरेपन को देखा है, परमेश्वर उसमें कंप्लीटनेस को लेकर के आएंगे। इस मौसम में स्थिरता को परमेश्वर लेकर के आएंगे। आमेन, हालेलुया। सो हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।